हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की अपडेट यूनिवर्सिटी एडमिशंस के रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि 8 जुलाई को एडमिशंस स्टार्ट हो रही हैं। सो एडमिशंस के नोटिफिकेशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसके रिलेटेड आज एक नई अपडेट है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। स्टडी एंड जॉब रिलेटेड हर एक नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए उस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यही है कि 8 जुलाई से पीयू में एडमिशन स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार ना एंट्रेंस के रिज़ल्ट और ना ही कोर्सेज के रिज़ल्ट की ज़रूरत होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि जो एंट्रेंस और कोर्सेज के रिज़ल्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीयू का कंप्यूटर सेंटर खुद करेगा एडमिशन। 300 रुपये एक कोर्स में अप्लाई करने की फ़ीस। कोर्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट फ़िलहाल तय नहीं की गई है। तो फ़िलहाल जो लास्ट डेट है उसके बारे में नहीं बोला गया है। तो ये है फॉर्म की फ़ीस। एक कोर्स की होगी 300 फीस, दो की 400 है, अगर तीन कोर्सेज के लिए फिल करेंगे उसकी 500 है, और चार के लिए 600 रखी गई है। तो ये कोर्सेज की फ़ीस रखी गई है। तो अगर न्यूज़ को रीड करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट 8 जुलाई से शुरू हो जाएगी। पीयू ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस बार मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपके रिज़ल्ट की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स लेकिन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पीयू का कंप्यूटर सेंटर इस बार खुद एडमिशन कर रहा है। 300 रुपये फ़ीस प्रति कोर्स के लिए रखी गई है। ये पहली बार हुआ है जब कोर्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट मेंशन नहीं की गई है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की एडमिशन हर साल की तरह जेईई के आधार पर होगी। टेस्ट के बाद उनकी अलग वेबसाइट शुरू होगी। एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करने वाले और क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को पीयू के एडमिशन वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई आपके रिज़ल्ट की ज़रूरत होगी। तो एडमिशन जो है वो मेरिट के आधार पर होगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरिट के आधार पर होगी फाइनल एडमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के द्वारा कोर्सेज की एडमिशन के लिए यही तरीका अपनाया गया है। सो फिलहाल एडमिशन को लेकर यही अपडेट थी। इसके अलावा कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।